अबे आपके निर्देशांक ज्यामिति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके सीबीएसई में और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है और राजस्थान बोर्ड में चैप्टर नंबर 9 है। इससे एक क्वेश्चन आएगा आपके या दो क्वेश्चन आएंगे, एक आया तो 6 नंबर का और दो आए तो आपके तीन तीन नंबर के होंगे। और एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, वो होगा आपके। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो सब इसमें बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 28 का पहला क्वेश्चन जो आपके दे रखा है, 8-9 क्वेश्चन है जो भी मैं इसमें करवाऊंगा। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है हमें। एक्स अक्ष पर मतलब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो जब भी आपसे कहे एक्स अक्ष पर वह बिंदु मतलब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब होता है आपके एक्स और जीरो। और यही अगर आपके वाई एक्स पर बोले तो आपको लिखना है 0y। वाई पीछे होता है, एक्स आगे होता है। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना, बिंदु मतलब ये वाला बिंदु क्या करना है आपको ज्ञात करना है, जो -2, -5, 2 और -3। देखो यहां पर इसके और इसके बीच में और का प्रयोग हुआ है, और को कह दो या फिर आप एंड का यूज किया हुआ ये भी आप कह सकते हो। तो जब भी किसी दो पॉइंट के बीच में एंड का यूज होता है तो आपको एक इधर लिखना है और एक इधर लिखना है। और ये कह रहा है कि एक्स अक्ष बिंदु जो समान दूरी पर है, यहां पर दूरी वाला क्वेश्चन है। अनुपात वाला होता तो सीधी लाइन बनाते हैं, अनुपात जब भी पूछे तो आपको सीधी लाइन बनानी है। और दूरी का है तो आप चाहो तो एक पॉइंट यहां लिख दो, एक पॉइंट का नाम है -2 और -5 और एक पॉइंट का नाम है 2 और -3। ये चीज ध्यान रखना आप कि हमेशा जिनके बीच में और का यूज हुआ है एक इधर लिखना है और एक इधर लिखना है। कह रहा है कि ये वाला एक्स अक्ष पर जो बिंदु है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मतलब दूरी दोनों क्या है, बराबर है। तो बताओ वो बिंदु कौन सा है, एक्स का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है। माना कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है या फिर आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये दूरी और ये दूरी बराबर है तो हम दूरी का फॉर्मूला इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। ये दूरी ए बी और ये दूरी ए सी क्या है आपके बराबर, ए बी और ए सी क्या है बराबर। पहले ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे इधर, फिर ए सी की दूरी ज्ञात करेंगे इधर। पहले ए बी की दूरी ज्ञात करते हैं, x2 - x1 मतलब ये दोनों लेने हैं आपको, x में से घटाना है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पीछे वाले दोनों, 0 में से घटाना है -5 का होल स्क्वायर। अब यही आपको इधर करना है, x में से घटाना है 2 का होल स्क्वायर और ये पीछे 0 में से घटाना है -3 का होल स्क्वायर। और रूट इधर भी है इधर भी है तो काट सकते हो, और इधर हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर और 0 में 5 घटाओ जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो 5 का 5 ही रहेगा। और यहाँ हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपके 3 का स्क्वायर। अब यहाँ लगानी पड़ेगी आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a+ba वाली आइडेंटिटी लगानी है आपको, a+b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² और आपको लगे कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। जैसे यहाँ प्लस वाला तो प्लस वाले आइडेंटिटी लगेगी आपके, पहली संख्या का होल स्क्वायर प्लस 2 × पहली संख्या × दूसरी संख्या + दूसरी संख्या का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होता है आपके 25। ऐसे इधर करना है, पहली संख्या का होल स्क्वायर इसके लिए करना है आपको माइनस है इस बार, 2 × पहली संख्या × दूसरी संख्या + दूसरी संख्या का होल स्क्वायर और लास्ट में दे रखा है 3 का, हो जाएगा आपके 9। x² + का इधर भी + का इधर, देखो यहां पर बराबर का साइन है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है साइन के साथ साथ, तो कट जाएगा। ये नहीं कटेगा क्योंकि देखो ये 4x ये, लेकिन ये माइनस का और ये प्लस का है इसलिए ये सेम है। तो ये हो गए 2 × 4x + 25 और ये हो गए हैं -4x + 9। अब x वाले एक तरफ और नंबर एक तरफ, ये माइनस का इधर भेज दो हो जाएगा प्लस में,
प्लस का है उधर भेज दो, हो जाएगा माइनस में, चार और चार हो जाएंगे आठ और ये हो जाएंगे माइनस के 16, गुना है तो भाग में, एक्स का मान होगा माइनस के 16/8 बराबर हो जाएगा माइनस के 2। अगर वो बिंदु बताना है आपको तो ये रहा वो बिंदु, एक्स का मान है माइनस का 2 और 0, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, यदि बिंदु P जो दे रखा है 3, 5 बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब दोनों को मिलाना है, और का है ना, तो एक इधर एक इधर, मैंने अभी बताया था आपको, एक इधर इधर करना है, बीच में और लिखा हुआ है तो एक इधर एक इधर, इसके बीच में एक पी बिंदु है जो उसको 4:7 में बांटता है, तो बताओ बी का पॉइंट क्या होंगे। वैसे इधर लिखा हुआ है एक पॉइंट, ये पी पॉइंट जो है वो ज्वाइन, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने के बीच में आता है पी पॉइंट, जो 4:7 में बांटता है, बताओ पी के पॉइंट क्या होंगे। देखो यहां पर ए और बी के बीच में और का यूज हुआ है, मतलब एंड का यूज हुआ है, तो ए आएगा इधर जो दे रखा है माइनस का 2 और 3, और बी पॉइंट दे रखा है इधर जो है एक्स एंड वाई, इन दोनों को क्या करना है आपको, ज्वाइन करना है, लाइन को मिलाना है। यहां देखो मिलाने वाला रेखाखंड, तो रेखाखंड मतलब सीधी लाइन। अब यहां पर जो अनुपात है 4:7, मतलब 1, 2, 3, 4 तो इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर, तो 4:7 पे बांटता है ये पी बिंदु, और पी के पॉइंट दे रखे हैं आपके माइनस के 2 और प्लस का 3 और 5 दे रखा है। तो बताना है कि इसके निर्देशांक क्या होंगे, कितना होगा बताना है, ये एक्स और वाई का वैल्यू क्या करना है आपको ज्ञात करना है। आगे वाला हमेशा होता है X1 और Y1, ये होता है आपके X2 और Y2, बीच में होता है X और Y, और जो अनुपात दे रखा है 4:7 ये कहलाता है M1 और M2 कहलाता है। अब X वाले फॉर्मूले से X2 ज्ञात होगा, Y वाले फॉर्मूले से Y2 ज्ञात होगा। अब देखो सबसे पहले हम X का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला है M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। अब वन के पास आता है आपके 2 और 2 के पास आता है 1, और ये फाइंड करते हैं एक्स का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 3, ये जो नीचे वाले हैं ना ये लेने आप, देखो एक्स का मतलब है 3, M1 M2 ये अनुपात 4 और 7, तो 4 प्लस 7 4 प्लस 7, X2 X1 तो ये है एक्स और ये है -2, तो ये तो है एक्स और ये है माइनस का, तो 3 का 3 ये तो हो गया 4X-14 और ये हो गया है आपके 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4X-14=11, 3 जा 33 33, इधर भेज दो तो 4X=33, माइनस का है हो जाएगा प्लस में, तो 4X=47 आपके 47, गुणा है तो भाग में, x का मान आएगा 47/4, ये आया x का मान। अब सेम ऐसे ही आपको y का मान ज्ञात करना है, तो y का सूत्र लगा दो, M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, यहाँ आएगा Y2 और यहाँ आएगा Y1, ये नीचे वाले पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। x y का मतलब हो गया 5, अनुपात आपके दे रखा है 4:7, ये आ जाएगा 4 प्लस 7 4 प्लस 7। अब Y2 Y1 दे रखा है Y और 3, ये तो Y है और ये 3 है, 5 का 5 ये हो गया 4Y+7=21/11। अब हम करेंगे तिरछा गुणा, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4Y+21, इधर गुणा करेंगे हो जाएगा आपके 55, प्लस का उधर भेज दो ये हो जाएगा आपके माइनस का, और 4Y = हो गया है आपके, पहले आएगा यहां पर आपके 4 और फिर आएगा 3, गुणा है तो भाग में, वाई का मान हो जाएगा 34/4, दोनों में भाग जा रहा है 2 का, तो यहां आ जाएगा आपके 17/2। और अगर आपको बी के निर्देशांक लिखने हैं तो 47/4 और 17/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट है,
त्रिभुज के तीन शीर्ष दे रखे हैं और हमें त्रिभुज की तीनों मध्यिकाओं को ज्ञात करना है। तो मध्यिकाओं ज्ञात करना है, इसका मतलब ये दूरी ज्ञात करनी है आपको। मध्यिकाओं का काम होता है सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटना होता है। इसका मतलब डी क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये अगर हमारे पास होगा तो हम आराम से एडी की दूरी ज्ञात कर लेंगे। ये एडी कितनी है वो आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हमें डी मिड पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, जिसे हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट। वो आपको पहले ज्ञात करने पड़ेंगे तीनों के, डी भी ज्ञात करना है, ई भी ज्ञात करना है और एफ भी ज्ञात करना है। अब मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला है आपके पास x2 + x1/2 और y2 + y1/2। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं डी के एक्स और वाई। डी के लिए आपको इन दोनों पॉइंटों को लेना पड़ेगा क्योंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है। तो आगे वाले में आगे वाला और पीछे वाले में पीछे वाला। प्लस का है तो प्लस लिख दो और माइनस का है तो माइनस लिख दो, क्योंकि यहां प्लस है ना तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो प्लस वाला प्लस रहेगा, माइनस वाला माइनस। अब पांच आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो जाएगा माइनस के 5/2 और ये हो जाएगा 7/2। अब पॉइंट हम लिखना चाहते हो तो ये हो गया माइनस का 2.5 और ये हो गया है प्लस का 3.5। ये डी ज्ञात हो गया। अब हम ज्ञात कर लेते हैं ई के मिड पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। ये तो आ गया आपके माइनस का 2.5 और 3.5। अब लेते हैं ये वाला। अगर ई लेते हैं तो हमें ए सी के पॉइंट लेने पड़ेंगे आगे वाले दोनों। तो एक तो प्लस का है 5 - 2, 3 + 1 - 2। ये हो गया है माइनस के 4/2 और 3 - 1 = 2/2। ये आया है आपके माइनस का 2 और 2 में 2 का भाग जाता है एक बार, ये आएगा माइनस का 2 और 1। अब हम ए बी से एफ ज्ञात करेंगे। अगर आपको एफ के एक्स और वाई ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल है। सबसे पहले आपको ये एफ है ना ए बी का मध्य बिंदु, आगे वाले पॉइंट लेंगे मतलब 0 + 1/2। दूसरा ये दोनों 4 और -1, तो 4 और -1/2 ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपके 3/2। ये आएगा 0.5 और ये आएगा आपके 1.5। तो आप 0.5 और 1.5 ऐसे लिख सकते हो। तो हमने तीनों मिड पॉइंट ज्ञात कर लिए। अब हमें ज्ञात करना है मध्य का। देखो एक क्वेश्चन ही 6 नंबर का आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन आपके अलग अलग आएंगे, छोटे छोटे आएंगे, दो एक आएगा बड़ा आ सकता है। अब आपको एडी ज्ञात करना है। अब अगर आपको दूरी ज्ञात करना है तो सूत्र लग जाएगा आपके x2 - x1/2 - x1² + y2 - y1² इसके ऊपर लगेगा अंडर रूट। देखो यहां पर आपके पॉइंटों में आंसर नहीं है तो ये वाला फटाफट ज्ञात हो जाएगा। जैसे अगर मुझे ज्ञात करना है बीई, अब कैसे ज्ञात करूंगा बीई, पहले मैं पहला मध्य का है ये, अब मध्य का ज्ञात कर रहा हूं मैं, तो ये वाला लेना है आगे वाले में आगे वाला 0 और -2। तो 0 में से घटाएंगे -2² और पीछे वाले में 4 में से 1 घटाओ तो 4 में से घटाएंगे 1² अब यहां पर हो जाएगा आपके 0 + 2² और यहां आपके केवल 2 लिखो तो चलता है ऐसे, इधर आ जाएगा 3² इसमें आपके माइनस आओ नहीं आओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। 2 का होता है 4, 3 का होता है 9 और अंडर रूट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपके 13। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे एडी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां दे रखा है आपके 1 और 2.5, मतलब के 1 में से गया 2.5² ऐसे ही पीछे वाले घटाना है 3.5 और -1, तो 3.5 में से घटाएंगे -1 का आ जाएगा आपके यहां पर 2². तो 1 - - +
और ये हो जाएगा आपके 2.5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2.5 और 1 होता है आपके 3.5, ये होता है 4.5। देखो यहाँ पर पीछे 5 है, तो आप चाहो तो एकाधिकेन का यूज कर सकते हो, मतलब 5 का हो जाएगा 25 और 3 को गुणा करना अगले नंबर 4 से, 4 3 12, यहाँ पर भी ऐसे 4 4 16 और 25, 4 5 20 ऐसे। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडरूट लगा देंगे। पॉइंटों का ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं है। 42 और 20 जो है ना, वो कितने हो गए आपके, 62। अब आप चाहो तो यहां पर पॉइंट हटा सकते हो, तो ये हो जाएगा 625/10, दोनों में ही 5 का भाग जा रहा है, तो यहाँ जा रहा है आपके 2 बार, और यहाँ जा रहा है आपके पहले भाग जाएगा 5 का भाग 1 बार, फिर जाएगा आपके 5 का भाग 2 बार, और फिर 5 बार। यही होता है, पॉइंट यहाँ पर है, ऐसे ऐसे हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, 12 125 हो जाएगा, पॉइंट हट गया आपके। आप चाहो तो यहाँ पर हल्का परिमेयकरण वगैरह कर सकते हो, ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं। 32 पॉइंट जो भी है आपके पॉइंटों का ध्यान रखना है, कहीं गलती नहीं करनी है। और ऐसे ही आप अब क्या करना है, हर का परिमेयकरण कर लो, तो ये हो जाएगा आपके 250/2 आ जाएगा आपके 2। और अगर कहीं गलती है तो आप देख लेना, ये वाला आप थोड़ा ढंग से देख लेना अच्छे से, कहाँ मिस्टेक है, तो आपको सही ढंग से पहले ये ज्ञात करना है, फिर ये ज्ञात करना है। और भी एक पॉइंट और है, ये भी आप CF वगैरह भी ज्ञात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात करो। इस बार क्या है, आपके अनुपात गायब है, ये 9.2 का है, मतलब सीधी लाइन वाला है ये, जो एक बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को अंतर्विभाजित करता है। तो बताओ P का मान भी ज्ञात करना है और अनुपात भी क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो, जब भी अनुपात ज्ञात करना हो तो जो एंड वाले पॉइंट है ना, ये दोनों एंड वाले पॉइंट, बीच में देखो और दिया हुआ है, एक पॉइंट तो आपको लिखना है यहां पर, और एक पॉइंट लिखना है आपको यहां पर। अब ये अंतर विभाजित करता है मिलाने वाले रेखाखंड को, मतलब यहां पर आपको लाइन ज्वाइन करना, देखो ज्वाइन ज्वाइन द पॉइंट, इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है। अब बीच के अंदर एक पॉइंट है -3 और P, क्योंकि यह अंतर विभाजित है, अंतर मतलब अंदर की तरफ पॉइंट है, तो ये हो गया आपके एक पॉइंट माइनस का 3 और P दे रखा है। अब ये कह रहा है कि यहां और यहां अनुपात कितना, जजैसे पिछले क्वेश्चन में आया था 4:7, जैसे ये अनुपात पूछा है, तो पहले हम ऐसा करते हैं, इन सबको लिख देते हैं, ये X1 और Y1 कहलाता है, ये X2 और Y2 कहलाता है, और ये आपका X और Y कहलाता है। ये कह रहा है पहले तो अनुपात ज्ञात करो, और फिर P का मान भी क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। अनुपात उसी का ज्ञात होगा जिसके तीनों मान दे रखे हैं। देखो X1 भी हमारे पास है, X भी हमारे पास है, और X2 भी हमारे पास है, लेकिन Y में Y1 दे रखा है, Y2 दे रखा है, लेकिन ये वाला Y गायब है, तो हम Y वाले फॉर्मूले से अनुपात ज्ञात नहीं करेंगे, हम X वाले फॉर्मूले से अनुपात ज्ञात करेंगे। तो X का फॉर्मूला क्या है आपके ज्ञात करने का, M1 प्लस M2, यहाँ X है ना, तो X2 और X1 आ जाएगा। X ये दे रखा है आपके -3। अब M1 M2 तो आपके गायब है, दिया हुआ ही नहीं है, ये आपको ऐसे ही वापस से लिख देना है। अब है X2 X1 -2 -5, तो हम यहां लिखते हैं -2 और -5, पहले ये बाद में ये। अब हम करेंगे तिरछा गुणा, सॉल्व भी कर दो, देखो 2 एकम 2 M1 प्लस माइनस माइनस 5 M2, इधर गुणा करेंगे तो -3 M1 -3 M2। अब M1 एक तरफ, M2 एक तरफ, तो ये M1 है और ये M1 है, एक तरफ हो जाएगा, -2 M1, ये माइनस का इधर भेज दो, हो जाएगा +3 M1,
अब ये आपके माइनस का है और ये माइनस का इधर भेज दो हो जाएगा आपके प्लस का, तो तीन में से दो गया एक बार एम वन, पांच में से तीन गया दो बार एम टू। अब एम वन अपॉन एम टू लिखेंगे मतलब ये वाला नीचे आएगा, उधर कौन बचा है दो और अब ये वाला इसके नीचे आएगा, तो जो एम वन और एम टू का जो अनुपात है वो हो गया है 2:1। अब अनुपात हमें मिल गया है, अब हमें क्या करना है, इस पी का मान ज्ञात करना है मतलब वाई का मान ज्ञात करना है। तो वाई का सूत्र क्या ज्ञात करने का, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। वाई जो दे रखा है वो पी है, एम वन एम टू आपके दे रखा है, ये हमने ज्ञात कर रखा है 2:1, तो हम यहां लिखेंगे 2+1 2+1 वाई टू वाई वन 3 और -4, तो यहां लिखेंगे 3 और यहां लिखेंगे -4, ये हो गया 3 × 6, ये हो गया 4×1=4 बटा 2 और 1=3, तो p का मान आ जाएगा 6 में से 4 गए 2/3, ये हो जाएगा हमारे p का मान। ये आपका पहला आंसर, ये आपका पहला आंसर है और ये आपका दूसरा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 4 निर्देशांक दे रखे हैं और सिद्ध करो कि वो क्या है, आयत है यानी रेक्टेंगल है। अब आयत कह दो, वर्ग कह दो, सम चतुर्भुज समान चतुर्भुज कह दो, कुछ भी कहे ना आपसे, तो 6 पॉइंट आपको ज्ञात करने हैं। एक तो चारों भुजाएं और एक इसके दो विकर्ण, 6 चीजें आपको ज्ञात करनी है और चतुर्भुज कौन सा है वो आपको लिखना है। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर। अगर ये वर्ग होता तो चारों बराबर और विकर्ण आपस में बराबर। और भी है आपके, तो जो भी आपके सवाल में दे रखा है, चाहे आपसे कुछ भी पूछा है, आयत पूछा है, समान चतुर्भुज है, कुछ भी है, तो आपको पहले चारों भुजाओं की दूरी ज्ञात करनी है और दोनों विकर्ण ज्ञात करने हैं, और लास्ट में लिख देना कि जो भी दे रखा है वो आयत है या वर्ग है वो लिख सकते हो। आपको सबकी दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है, वो है आपके x2 − x1² + y2 − y1² पहले इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी x1 y1 मान सकते हो। आगे वाले xx कहलाएंगे, पीछे वाले yy वाले कहलाएंगे, ध्यान रखना। मैं पॉइंट देता हूं नाम यहां पर A, B, C और D। पहले हम चारों भुजाएं ज्ञात करते हैं, चाहे वो कोई भी आकृति पूछी है आपसे, 4 पॉइंट दे रखे हैं, आयत समान चतुर्भुज कुछ भी पूछ ले आपको, तो केवल पहले चारों ही पॉइंट ज्ञात कर लो। सबसे पहले मैं ज्ञात कर लेता हूं AB, पहले वाले में पहले वाला, जैसे आगे वाले में आगे वाला लेना है, 4 में से गया -2² और पीछे वाले पीछे वाला माइनस के 4 में से गया -1² इसमें आपको उल्टे करने से, देखो ये प्लस का है माइनस का, तो माइनस हो रहा है, हम उल्टा करेंगे मतलब घटा देंगे, देखो जोड़ देंगे, तो 4 और 2 कितने होते हैं आपके 6² इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का है, तो 4 में से 1 गया 3, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 प्लस का हो या माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर लगा हुआ, इसलिए ये हो जाएंगे आपके 36, ये हो जाएंगे आपके 9 और यहां आएगा आपके 45। ये रखो तो भी राइट है, और आप चौदह ऐसे कर सकते हो, 3 × 9 = 9, 5 = 45 टुकड़े कर दो इसके, और एक नंबर क्या आ जाएगा आपके बाहर आ जाएगा, तो 3√5 भी आप लिख सकते हैं। अब हम लेते हैं यहां पर BC साइड लेते हैं, मतलब ये दोनों आगे वाले में आगे वाला और पीछे वाले में पीछे वाला, तो माइनस के 2 में से घटाएंगे -1² पीछे वाले में पीछे वाला, मतलब 1 में से घटाएंगे -1² अब ये तो है आपके माइनस का 2 और ये है आपके +1² और ये हो जाएगा 1+1² तो ये तो हो जाएगा 2 में से 1 गया 1² 1 और 1 = 2 1+4 ये हो गया है आपके 5।
अब देखो ये इसके बराबर होगा, तो आपका जो इसका उत्तर है ना वो इसके बराबर आना चाहिए आपको। सी डी का उत्तर ए बी के बराबर आना चाहिए। आगे वाले में आगे वाला 5 में से 1 घटाना है, तो यहां लिखेंगे 5 में से घटाया -1 का होल स्क्वायर। ऐसे इधर है 1 और -2, 1 में से घटाया -2 का होल स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा 6, इधर भी ऐसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3, ये देखो सेम आया आंसर भी आपके सेम आने वाला है। आप ये वाला सब लिख देना क्योंकि देखो सेम नंबर है, सेम आंसर आएगा आपके 3/5। ऐसे हम लेंगे यहां पर AD, तो जो BC का आंसर आया है सेम वो AD का आंसर आएगा। तो यहां लेना है आपको ये दोनों पॉइंट लेने, 5 और 4, 5 में से 4 गया का होल स्क्वायर, और ये दोनों माइनस के, 4 में से गया है -2 का होल स्क्वायर, 5 में से 4 गया 1, और यहां पर देखो माइनस, ये तो प्लस हो गया ये माइनस है तो घट जाएगा, और 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, ये देखो यही सेम, और क्या आएगा आपके √5। इसमें लिख सकते हो आमने सामने की या सम्मुख भुजाएं, मतलब ऑपोजिट, सम्मुख भुजाएं क्या है बराबर, इंग्लिश में लिखते हैं ना ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ऑपोजिट इक्वल इसका मतलब ये क्या है समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है समांतर। अब आपको आयत बनाना है तो विकर्ण को क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। तो अब हम लेते हैं विकर्ण, विकर्ण मतलब होता है आपके डायगोनल। एक तो लेना है आपको AC और एक लेना है आपको BD। पहले AC लेते हैं, AC मतलब ये वाला, पहले में पहले 4 में से गया 1, यहां लिखेंगे 4 में से गया -1 का होल स्क्वायर, और माइनस के 4 में से गया +1 का होल स्क्वायर। यहां पर तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहां पर भी आपके क्या हो जाएगा दोनों माइनस के हैं तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये भी हो गया आपके, अगर दोनों ही नंबर सेम हो ना तो डायरेक्ट लिख सकते हो 2/5, हाँ क्या नाम है 5/2, दोनों ही सेम हो तो डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख सकते हो, मतलब ये आपके नंबर बाहर आ जाएगा और बाकी के आपके यहाँ पीछे √2 लग जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, 25 25 50 आएगा, 50 का वर्गमूल यही है आप। अब देखो अब BD याद करना है, आगे वाले नंबर लेने हैं आपको, तो यहां लेंगे हम 5 में से गए कितने -2 का होल स्क्वायर, और फिर ये पीछे वाले 2 2 2 और 1, -2 -1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर तो क्या होगा कि 5 और 2 हो जाएंगे 7, ये प्लस का और ये माइनस का, ये होगा 1, 7 का होता है 49 +1 ये होता है 50। हमें बताएं 50 का मतलब ये होता है, 50 का मतलब होता है ये 50 है, इसका मतलब होता है 5/2, मतलब 5 25 5 × 50 ऐसे। इसका मतलब क्या है, इसके विकर्ण बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये एक आयत है। अगला क्वेश्चन है, 2 बिंदु है 11 9 और 1 2 और लिखा हुआ है, तो बीच में लाइन खींच देंगे ऐसे। इसको करना है समत्रिभाजी, मतलब करना है ट्राइसेक्ट, इसको 3 भागों में बांटना है, तो मैं ऐसे 3 भागों में बांट सकता हूं, लेकिन 4 भाग हो गए तो आपको ये हटा देना, तो आपको लिखना है 1 भाग यहां पर है और 1 भाग यहां पर है, ये हो गया 1 भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ऐसा नहीं ट्राइसेक्ट का था, आपने 3 भाग बीच में 3 लाइनें खींच दी। इसको आप ए मान लो, ये आप ऐसे मान लो पी क्यू, और इसको आप मान लो यहां पर सी बी पॉइंट, बीच में हो गया पी क्यू, क्या करने हैं आपको ज्ञात करने हैं। समत्रिभाजित का है तो एक समान 3 भागों में बांटना है, तो आपको 2 चीजें आपको ज्ञात करनी है। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, ए पॉइंट लेंगे 11 9 का, और एक पॉइंट लेंगे बी जो है आपके 1 2 का। हम पहले पॉइंट क्या करते हैं,
ऐसे लेते हैं, एक इधर और दो भाग इधर, और मुझे पी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ध्यान रखना है कि सम त्रिभाजित का है, तो इधर आपके एक है, इधर आपके दो भाग है, तो ये हो गया आपका अनुपात। ये कहलाता है x1 और y1, इसका उत्तर कहलाएगा x और y, और ये कहलाएगा x2 और y2। अब ये वाला आपको ज्ञात करना है। सम त्रिभाजित मतलब यही है कि आपको P का अनुपात 1:2 मानना है और Q का 2:1 मानना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी सेम आपके 9.2 का पहले क्वेश्चन की तरह ही है ये। अगर आपको P के X और Y ज्ञात करने हैं तो सूत्र हो जाएगा आपके M1 X1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस M2, फिर आएगा आपके M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2। अब P का P हो गया X और Y, ये आपको ज्ञात करना है, अनुपात लगाना है आपको 1:2 लगाना, तो यहाँ लिखेंगे 1 + 2 / 1 + 2। अब यहाँ पर X2 X1 लगाना है तो 1 और 11 और 2 और 9, तो 1 × 1 = 11 / 22/3, 2 × 2 = 9 × 11/3 = 18। तो 22 और 1 कितना हो गया 23/3, और ये हो गया है 20/3। अब सेम आपको Q के पॉइंट याद करने हैं, बस फर्क यही है कि आप जैसे ही Q के पॉइंट फाइंड करोगे तो अनुपात चेंज हो जाएगा, मतलब इधर 2 इधर 1, तो बस आपको इन अनुपातों को चेंज करना है बस, मतलब ये 1:2 लिखा हुआ ना, इसके जगह 2:1 लिखना है। देखो यहां पर आपको आगे 2 लिखना है, पीछे 1, फिर 2, फिर 1, बाकी वाले सेम है, 1 और 11 तो सेम है, यहां कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब सेम यहां पर भी है, जहां 1 है वहां पर 2 लिखना है, जहां 2 है वहां पर 1 लिखना है, और ये 2 9 तो सेम रहेंगे, तो 2 × 2 = 11/3, 2 × 2 = 4, 9 × 9/3, ये हो जाएंगे आपके 13/3, और ये भी हो जाएंगे 13/3। ऐसे हम P के भी पॉइंट ज्ञात कर लेंगे और Q के भी पॉइंट ज्ञात कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है, जो एक ही क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और आपको शीर्ष ज्ञात करने हैं, मतलब मिड पॉइंट दे रखे हैं और आपको वर्टिक्स क्या करने हैं फाइंड करने हैं। तो देखो हमने इसको माना है x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 हमने मान लिया है। अगर आपको मिड पॉइंट ज्ञात करना है x और y का, तो फॉर्मूला है x2 प्लस x1 बटा 2 और y2 प्लस y1 बटा 2। मैं क्या करूंगा, पहले सब x वाले ज्ञात करूंगा और फिर मैं सारे y वाले ज्ञात करूंगा। सबसे पहले हम x वाले ही लेते, कोई भी जो d है, चाहे e है चाहे f है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले d वाले पॉइंट से ये दोनों पॉइंट लेते हैं। देखो d का ओनली मैं x लेता हूं, ये d पॉइंट है, इसका ये x मतलब ये वाला। अब देखो d का x फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, x2 प्लस x1 बटा 2। अब देखो x का मतलब तो हो गया है आपके 1, x2 x1 मतलब होता है ये दोनों, आगे वाले दोनों ही, मतलब x2 प्लस x3 बटा 2। हम करेंगे यहां पर क्रॉस गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 इजिकल टू 2, और ये हो गया है आपके समीकरण नंबर क्या हो गया है, 1 हो गया है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, d की जगह अब हम क्या करेंगे, d का ले लिया हमने, अब हम e का x लेते हैं। e का x मतलब आगे वाला पॉइंट जो है आपके 0। अब इसमें क्या होता है, आगे वाले दोनों लेंगे तब ये मिडिल पॉइंट आएगा x3 और x1, तो हम यहां लेते हैं x3 प्लस x1 बटा 2, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके, अब देखो यहाँ x3 पीछे है तो आप तो ऐसे लिख सकते हो x1 प्लस x3 लिखो या x3 कुछ भी लिख दो, तिरछा गुणा कर दो तो कितना हो गया आपके 0। ये हो गया समीकरण नंबर 3।
ऐसे ही हम एफ लेंगे। अब एफ का अगर ये पॉइंट लेते हैं आगे वाला, तो हमें ये आगे वाले पॉइंट लेने एक्स वन एक्स टू, तो हम यहां लेते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, और ये आपका जो x है ना ये दे रखा है दो, क्रॉस गुणा कर देंगे तो x1 प्लस x2 इक्वल टू हो जाएगा आपके चार, ये हो जाएगा समीकरण नंबर तीन। तो ये ज्ञात करना है तो इन दोनों पॉइंटों को लो, d ज्ञात करना है तो इसके आगे वाले पॉइंटों को लो, ये ज्ञात करना है तो इन दोनों पॉइंटों को लेंगे। अभी मैं केवल x वाला ही ज्ञात कर रहा हूं। अब देखो तीनों समीकरणों को दो दो लेकर हल करने पड़े, जैसे मान लो पहले मैं इन दोनों को ले रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं x2 प्लस x3 इजिकल टू और x1 प्लस x3 इजिकल टू जीरो। हम क्या करेंगे यहां पर हम साइन चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये वाला कट जाएगा और इसमें क्या होगा कि x2 तो आपके प्लस का है और x1 आपके माइनस का है और यहां आ गया है आपके दो। अब देखो सेम चीज आपको, अब हमें x2 x1 वाला लेना है, मतलब ये वाला लेना है, ये वाला हम क्या करेंगे यहां पर ट्रांसफर, इन दो को सॉल्व कर दिया, अब ये तीसरा भी लेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि 2 के नीचे 2 ही लिखो आप, तो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो हमें लिखते हैं x2 प्लस x1 ये वाला लाइन बराबर चार। अब हम क्या करेंगे ये और ये काट देंगे और ये हो गया है आपके टू टाइम x2 और ये हो गया है आपके कितने चार और दो कितने हो गए हैं आपके छः, गुणा है तो भाग में, तो x2 का मान आएगा आपके छः बटा दो बराबर हो जाएगा आपके तीन आ जाएगा। अब इस x2 का मान यहां रखेंगे तो x3 आएगा और यहां रखेंगे तो x1 आएगा, तो मैं क्या करता हूं पहले इसे रखता हूं समीकरण नंबर एक में रखता हूं, ये रहा समीकरण नंबर, यहां रखेंगे तो क्या होगा देखो इसका मान आ चुका है तीन प्लस एक्स थ्री इजिकल टू, उधर भेज दो तो एक्स थ्री का मान आएगा, उधर भेजते ही माइनस हो जाएगा बराबर माइनस एक। ऐसे ही ये वाला मान अब हम यहां रखेंगे तो क्या होगा एक्स वन का एक्स वन, एक्स टू जो है ना वो कितना दे रखा है आपके तीन दे रखा है, उधर भेज दो एक्स वन का मान आएगा चार में से तीन गया एक। तो हमारे पास ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट के आगे वाले पॉइंट आ चुके हैं, ये नहीं ये वाले ए बी और सी के आगे वाले पॉइंट आ चुके हैं, जो ये है वन थ्री और माइनस वन, ये आएगा वन थ्री और माइनस वन। सेम ऐसे ही अब आपको वाई वाले फॉर्मूले से ज्ञात करना है, सेम मेथड अपनाना है और पीछे वाले वैल्यूज भी आपके आ जाएंगे, सेम तरीका अपनाना है आप ट्राई करना। आप कोई डाउट हो, अगर आपको फिर भी नहीं आए तो मेरा वीडियो का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसे देख सकते हैं, पूरा चैप्टर करवाया हुआ है, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब